कासगंज के गंजडूंडवारा कस्बे में संचालित पैथोलॉजी लैबों की शिकायत पर कासगंज के सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार ने तमाम पैथोलॉजी लैबों पर छापेमारी की। इस दौरान पैथोलॉजी लैब संचालक अपनी अपनी दुकान बंद करके भाग खड़े हुए। नियमों की माने तो डेंगू की जांच प्राइवेट लैब के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसके लिए सरकारी मुहर की जरूरत होती है, लेकिन ये सभी लैब इस नियम का उल्लंघन कर रहे थे, जिस पर रोक लगाने के लिए ये कार्रवाई की गई। सीएमओ अनिल कुमार की माने तो पैथोलॉजी लैब्स लोगों को फर्जी तरीके से डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव बताकर गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, जिससे आम जन में अफरा तफरी का माहौल है और भय व्याप्त हो गया है। लोगों की शिकायत के आधार पर गंजडूंडवारा में 4 से 5 पैथोलॉजी लैब्स पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। वहीं सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार ने लगातार हो रही बुखार से मौतों के आंकड़ों को भी छुपाया, क्योंकि जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तब उन्होंने बताया कि जिले में डेंगू से एक भी मौत नहीं हुई है। नोटिस जारी किया है, अगर सही नहीं पाए गए तो उनको सील किया गया। हमने 4-5 पैथोलॉजी का निरीक्षण किया है, लेकिन सभी में कुछ कुछ खामियां मिली हैं, उनको नोटिस दिया है, चेतावनी दी है, उनको सील किया जाएगा अगर कोई ऐसी कोई खामी। दरअसल कासगंज में स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे दर्जनों पैथोलॉजी लैब बिना किसी रजिस्ट्रेशन के फर्जी तरीके से चल रही है, जो बुखार के बढ़ते हुए इस प्रकोप के समय धड़ल्ले से जांच कर मोटी कमाई कर रहे हैं, जिस पर नकेल कसने के लिए ये कार्रवाई की गई। वहीं इस मामले में जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह लगातार बुखार के प्रकोप को रोकने के लिए समीक्षा बैठक कर रहे हैं और जिले में जगह जगह फॉगिंग और साफ सफाई भी कराने के निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं, ताकि बढ़ते बुखार पर काबू पाया जा सके। साथ ही जिला अधिकारी ने सभी लोगों से अपील भी की है कि कोई घबराए नहीं और किसी भी तरह की परेशानी होने पर वक्त पर अपना इलाज जिला अस्पताल या पीएचसी और सीएचसी पर करवाए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने राजपट टीवी चैनल से। साथ ही राजपट टीवी को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी बजाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। साथ ही याद रहे, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी।